आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज इस वीडियो में कुछ भाई साहब के कमेंट आया है और उस कमेंट में साहब के खिलाफ कुछ नेगेटिव बात बोला गया। तो उन भाई साहब को हम कहना चाहेंगे कि भैया, साहब जो भी बताते हैं और वो हम सभी के लिए अच्छा ही बताते हैं और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और आप कमेंट किया कि ये राज स्टूडियो वाले भैया हैं, कुछ कमेंट किए, मैं आप लोगों के बीच पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और आप देख भी सकते हैं। ये भैया जी हमें 10 घंटा पहले मैसेज किए थे, बट कुछ काम के कारण हमें इनका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया। तो फिर मैंने इनका जब जवाब देता हूँ, समय मिलता है तो मैं इनका मैसेज पढ़ा। मैसेज में लिखा, क्यों एक माह तक शिव चर्चा बंद रहेगी, स्पष्ट रूप से बताइए। तो मैंने इनको बताया, क्योंकि कोरोना का महामारी बढ़ते जा रही है, ये सरकार का कहना है और हमारा शिव शिष्य परिवार सरकार के बातों को उल्लंघन नहीं करते हैं, बस इसलिए भाई प्रणाम। मैंने इनका कमेंट का जवाब दे दिया। तो फिर इन्होंने कमेंट फिर क्या किए, थोड़ा सा उनको भी देख लीजिए। तो फिर इन्होंने कमेंट किए, लिखे हैं, चंदा तो लोग तभी लगाते हैं, यानी मांगते हैं लिखते होंगे लेकिन लगाते लिख गए हैं, चंदा तो लोग तभी मांगते हैं जब लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं होता। तो मैंने इनके कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने जैसे बोले हैं कि चंदा तो लोग तभी मांगते हैं जब लोगों के पॉकेट के मनी ख़त्म हो जाता है। तो भैया, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आजकल है ना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो कि काम रोजगार छोड़ देते हैं और भगवान के नाम पर चंदा इकट्ठा करके खुद का पेट पालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलिए कि लोगों के पॉकेट के मनी ख़त्म होता है तभी चंदा मांगता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मांगिए जिनके नाम पे मांगना है, आपको नहीं कहते हमारे शिव शिष्य परिवार आप नहीं मांगिए, मांगिए लेकिन हमारे शिव शिष्य परिवार के नाम पे चंदा मत मांगिए, ठीक है, नहीं तो आप भी अच्छी तरीका से रिला जाएंगे, ठीक है भाई। और हमारा शिव शिष्य परिवार किसी पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि शिव शिष्य का एक ही लक्ष्य होता है, अपने गुरु का आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। तो आप नहीं करते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज़ नहीं है। और आपने कमेंट में उनका सीधा भी लिखे हैं, पहले मैं वो उस कमेंट को आप लोगों, मतलब अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करना चाहूँगा। और क्या लिखे आगे थोड़ा सा देखिए, मैं इसका कमेंट का जवाब नहीं दिया हूँ। तो फिर से इन्होंने कमेंट किया, अबे चुतिया, अगर शिव चर्चा में चंदा नहीं ले सकता और साहब श्री हरिंदर जो रानी पत्रा में था, पटना में था, मतलब ही पटना लिख रहे थे लेकिन पत्रा लिखा गया था। तो इन्होंने लिखा, रानी पटना में था, क्या चीज का चंदा ले करके उतना अपना टिकट इकट्ठा कर रहा था। तो भैया सुनिए, अगर उसमें किया भी जा रहा था ना, तो हमारे साहब बाबू आदेश नहीं दिए थे कि आप मतलब कि टिकट अति कीजिए, ठीक है। और उसमें कोरोना भी नहीं था, अगर वहाँ पे भीड़ भी लगाया जा रहा था, चाहे अगर बड़ा प्रोग्राम किया जाता है तो हो सकता है शिव शिष्या में ही कि भैया यहाँ पर चर्चा हुआ जाए, अगर आपको खुशी है तो कुछ दे दीजिए, मतलब आप खुशी है तो अगर दान करना है तो कर दीजिए, काहे कि यहाँ पे एक मतलब कि बहुत समझ लीजिए ना जी, कि मतलब अगर हमारे साहब बाबू आते हैं तो वहाँ पे क्या गलत बात होता है, ज्ञान के बात होता है। आखिर पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, पूरे मतलब कि देश विदेश में भी हमारा शिव चर्चा का नाम गूंज रहा है, क्या अपने से साहब बाबू किसी को नहीं बताते तो क्या हो जाता इतना शिव शिष्य परिवार? आप क्या हमारे बहुत सारे गुरु भाई शिव का शिष्य बन जाते? नहीं ना बनते। तो उतना आदमी को बुलाकर कोरोना से पहले सभी के बीच साहब बाबू आए थे, इसीलिए वहाँ पे चंदा मांगा गया होगा, ठीक है। मैं कबूल करता हूँ कि मांगा गया होगा, लेकिन उसमें कोरोना काल नहीं था भैया, याद कीजिए। और आप उस बात को लेके क्या लिखते हैं, अबे चुतिया, इसका जवाब हम भी दे सकते हैं लेकिन हम आपको बताएं कि हम शिव शिष्य हैं, तो हम किसी कोई अगर थप्पड़ भी मारता है ना तो उनका जवाब प्यार से ही देते हैं, हंस कर ही देते हैं। तो भैया आपको हम समझाते हैं, अभी किए तो किए, अगले बार से ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं। और थोड़ा सा भैया फिर कमेंट किए, मैं फिर भी इनका कमेंट का जवाब नहीं दिया, मुझे और छोड़ो क्या किए रहे ऐसा कमेंट। अगर और आज शायद हमारा चैनल पे
और जब से सांप सीढ़ी की वीडियो डालता हूँ शायद पहली बार ऐसा कमेंट आया। तो राज भैया ऐसा मत कीजिए, ठीक है, हमें कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सांप बाबू को कुछ मत बोलिए, ठीक है, ठीक ना, कहे कि शिव से जुड़ाने वाले हमारे साहब बाबू हैं और हम सभी को इस दुनिया से मुक्ति दिलाने वाले भी हमारे साहब बाबू हैं। आप ऐसे व्यक्ति को गलत बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि साहब ने सरकार की बातों को उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए, या आप कोई बिजनेस करते होंगे शिव चर्चा से लेकर, हो सकता है कि आप शिव चर्चा से लेकर कोई बिजनेस करते होंगे उसमें आपको घाटा लगा कि भाई शिव चर्चा नहीं होता है तो मेरा कमाई रुक गया है, ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ होता होगा, शायद बजा बजाते होंगे चाहे और कुछ अन्यथा कुछ भी करते होंगे शिव चर्चा से जुड़े हुए का, जिसमें अभी बंद होने के कारण आपको घाटा लगता होगा। तो भैया सोचिए ना जी, एक आपके गलती के कारण कितना चीज़ हो सकता है, कितना शिव शिष्या परिवार बदनाम हो सकता है भैया, का ये छोटा मोटा बात में पड़े हुए हैं भैया, क्या हम नहीं है इंसान, काहे ऐसे गलत काम करते हैं, हमेशा गलत कमेंट करते हैं। और भैया जी देखिए थोड़ा सा और कमेंट किया, इसका इस भी कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने किया लिखा साहब का जहाँ भी प्रोग्राम फैशन होता है उस जगह में 2-3-4 महीने से ही चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं पर भी क्लेम नहीं होनी चाहिए। तो यानी बोल रहे हैं साहब का जब भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे 2-4 महीना पहले से ही चंदा इकट्ठा मतलब करा जाता है, वहाँ पे क्लेम नहीं होता। तो भैया सुनिए, पहले जब से कोरोना काल आए हैं तब से हमारे साहब बाबू सभी को कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, शिव चर्चा को ऑफ कर रखें यानी बंद कर रखें, और आप बोल रहे हैं कि चंदा इकट्ठा किया जाता है, साहब बाबू जब भी आते हैं तो प्रोग्राम होता है चंदा इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो भैया सुन लीजिए, हमारे साहब बाबू खुद बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं करना चाहिए और आप बोल रहे हैं कि भीड़ करना चाहिए, साहब बाबू भीड़ इकट्ठा करते हैं वहाँ पर आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, 2-4 महीना पहले से चंदा इकट्ठा कर लिया जाता है, तो पुरानी बातों के लेकर और आप उखाड़ रहे हैं बातों को, अब बड़का होशियार बन रहे हैं, एक चीज़ से नहीं जीतते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं नहीं बोलूँगा मैं, बताया उनको शिव शिष्या हूँ नहीं बोलूँगा। तो आप समझ लीजिए भैया, हमारे साहब बाबू भीड़ को बंद कर रखे, वो भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं, और आपने बहुत सारे गलत बात लिखे हैं पर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, काहे कि मैं समझता हूँ इसमें आपका इज्जत तो जाएगा साथ साथ में मेरा भी जाएगा, क्योंकि अगर आप गाली देते हैं साथ साथ मैं गाली देता हूँ, इसमें सिर्फ आपका गाली का गौर नहीं बल्कि मेरे गाली का भी गौर किया जाता है, तो वो तो गलत था तो तुम काहे गलत था, इसीलिए तो मैं ये सब बात नहीं बोलूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भैया कि निगेटिव हटाइए और सच्चा शिव शिष्या बनिए भैया, मैं छोटा हूँ, मेरा घर भी छोटा, आप देख सकते हैं पूरा, मैं जब भी ऐसा वीडियो, मेरा शौक नहीं है कि मैं बुरा हाई फाई में जाकर वीडियो बनाऊँ, जब महादेव देखेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के मेरा भी घर अच्छा द्वार बन जाएगा तो हम भी अच्छे तरीका से वीडियो बनाऊँगा, पर अभी जैसा मुझे महादेव देखे मैं वैसा ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, पर मैं खुश हूँ, ये नहीं कि मुझे महादेव ही नहीं दिए वो नहीं दिए, शिव चर्चा बंद हो गया, ये चीज़ हो गया है, मेरा ये मर गया है, वो शिव चर्चा बंद हो गया, मेरा कमाई रुक गया है, तो भैया ये सब क्या है, शिव चर्चा रुकने से कमाई बंद हो जाता है और कोई काम नहीं है आपके पास, सिर्फ शिव चर्चा से कमाई करते हैं क्या, हमको तो लगता है कि ऐसा ही है, तो ही तो आप ऐसा कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपने कमेंट किया, मैं आपको कमेंट को बहुत सुना मतलब कि समझा, उसके बाद आखिर में सोचा कि मैं आपको कमेंट का वीडियो बनाकर जवाब देता हूँ, ठीक है। और आपका चैनल भी है और आप वीडियो भी डालते हैं, वैसे है आपका चैनल राज स्टूडियो, वैसे आपका चैनल राज स्टूडियो है, आप गाना गाते हैं, बहुत अच्छे गाना गाते हैं, ठीक है, तो आप गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए स्टूडियो में जाकर अच्छे से गाएं, और आपका आवाज़ भी ठीक है, एक सिंगर भी बन सकते हैं महादेव चाहे तो, पर देखिए जब भी सोचिए तो अच्छा ही सोचिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए भैया, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचिएगा तो आप ही गलत हो जाइएगा, आप ही नीचे गिर जाइएगा, किसी को टांग खींचकर ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए बल्कि उसको सपोर्ट करके खुद साथ में ऊपर जाने की कोशिश कीजिए भैया, ठीक है भैया। तो वीडियो लंबी हो गया है और मैं आपका कमेंट का जवाब दिया हूँ, और इसमें अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप हमें माफ़ करें, और सभी गुरु भाई गुरु बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब जैसे कहते हैं वैसे कीजिए, साहब बाबू के एक ही बात का उल्लंघन मत कीजिए, ठीक है, ये भैया जी का
शायद महादेव का दया इन भैया पे नहीं होगा, इसीलिए इन्होंने कमेंट ऐसा किए हैं, तो महादेव का दया इस भैया पर भी हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं धीरज, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, आज के लिए।